फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है बेसिकली प्रेस टूल के ऊपर है। तो प्रेस टूल में आप देख पाओगे, जैसे मेरा यहाँ पे कंटेंट है बैंड अलाउंस और स्प्रिंग बैक वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, इसमें आपको पहले तो आपको स्प्रिंग बैक क्या होता है, क्या इसकी पैरामीटर लेना पड़ता है, ठीक है, कैसा होता है, उसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बैंड रेडियस क्या होता है, बैंड एंगल क्या है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है जो आपकी स्प्रिंग बैक होता है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो भी आपकी बैंड अलाउंस होती है, बैंड अलाउंस जो है उसकी कैसे हम निकालते हैं, हम उसको आपको कैलकुलेशन के साथ निकालना भी सिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको मैं एग्जाम्पल देके भी करना सिखाऊंगा। उस एग्जाम्पल जो हम मैथमेटिकली करेंगे उसको हम सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर में करके उसके बस वैल्यू कितना निकल के आ रही। तो जो भी चीजें मैं इसमें कराऊंगा आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा। इन फ्यूचर आप कभी भी आप जब डिजाइन करते हो, जो भी कैलकुलेशन करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो आपकी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन होती है, दोनों में क्या डिफरेंस आती है, हर एक चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा के बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी मेरा स्प्रिंग बैक होता है, तो बेसिकली होता क्या है स्प्रिंग बैक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक आपकी, देखो एक लाइन में आपको समझना है और उसका जो पैरामीटर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी आपको समझना है। कभी भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं भी कुछ चीजें समझते हो तो ऐसे मत समझो कि ये होता है बस, इससे साथ ये डिपेंड किसके साथ करता है, अगर ये कम होगा तो दूसरे के साथ कौन सी ज्यादा सीधे आपको काम करना पड़ेगा, ये ज्यादा होगा तो कौन कम होगा, इसकी पैरामीटर किसके साथ डिपेंड करते हैं, तो उस हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम स्प्रिंग बैक देखते हैं, एक मेटल पीस जनरली ओपन अप स्लाइटली आफ्टर बेंडिंग। जब आप किसी भी मेटल कंपोनेंट हो, किसी भी पीस हो, जैसे आप बेंडिंग करते हो, ऊपर से पान चलाते हो, तो बेंडिंग के बाद ये स्लाइटली ओपन अप होता है। देख रहे हो आप यहाँ पे जो थीटा वन है, थीटा टू है, तो यहाँ पे देखो कुछ वेरिएशन होता है। जो ये इलास्टिक रिकवरी होता है ना, जो ये रिकवरी होता है, जो इलास्टिसिटी होती है, ये इस रिकवरी को हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक। और जो ये जो आपका ये स्प्रिंग बैक है ना, ये बेसिकली इंक्रीज होता है किसके ऊपर, अगर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो मेटेरियल की, वो अगर ज्यादा होता है तो आपका जो स्प्रिंग बैक वैल्यू है वो भी बढ़ जाएंगे। अगर इसकी बैंड रेडियस, जो आपकी बैंड रेडियस होता है ना, अगर ये बैंड रेडियस ज्यादा होता है तो उस केस में आपका जो स्प्रिंग बैक होगा वो ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपकी बैंड एंगल, अगर एंगल भी ज्यादा होगा ना, तो उस केस में आपका जो बैंड एंगल ज्यादा होंगे तो आपकी स्प्रिंग बैक वैल्यू भी ज्यादा होंगे। तो बेसिकली ये था आपकी स्प्रिंग बैक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसकी किसकी पैरामीटर याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, जो जो मेटेरियल आप यूज करते हो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, उसकी बैंड रेडियस चाहिए, बैंड एंगल चाहिए। बैंड रेडियस, बैंड एंगल आपको मिल जाएंगे, आपको बस चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की कौन सी मेटेरियल का कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं अलग से आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आते हैं हम बैंड अलाउंस पे। अब बैंड अलाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बैंड अलाउंस होता क्या है इसको अगर मैं आपको समझाऊ, तो इसमें बेसिकली एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ कि इट इज द आर्क लेंथ ऑफ ए बैंड मेजर अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका आर्क लेंथ है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है, जो सेंटर से आपका एक्सिस डॉट डॉट लाइन जा रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो इज द आर्क लाइन, ये आपका आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज द आर्क लाइन मेजर अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस। आर्क लाइन को न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग जो हम मेजर करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बैंड अलाउंस, ठीक है। अब देखो बैंड अलाउंस क्या होता है, क्यों डालते हैं हम बैंड अलाउंस, क्योंकि बैंड यहाँ पे देखो यू विल नीड टू एट द एक्चुअल लेंथ इन द पार्ट इन ऑर्डर टू गेट द फ्लैट पैटर्न टू कट द एक्चुअल साइज। अगर आप बैंड अलाउंस नहीं देते हो, जब आप उसको फ्लैट पैटर्न करते हो, तो उसमें कितना आपका अलाउंस चाहिए वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर उसको जब काटते हो तो आपको एक्चुअल साइज तभी मिल सकता है। तो हर एक जो बैंडिंग टूल होती है उसमें आपको बैंड अलाउंस जो है आपको दे के बनाना होता है। जब भी टूल बनाते हो, जब इसकी ब्लैंक खोलते हो, जब इसको फ्लैट पैटर्न करते हो, तो उसमें आपके एक्चुअल साइज काटने के लिए, एक्चुअल साइज में काटने के लिए आपको बैंड अलाउंस जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंड अलाउंस होता क्या है, तो यहाँ पे देखोगे जो बैंड अलाउंस होती है ये पैरामीटर्स होती है। तो ये पैरामीटर्स मुझे कहाँ मिले, जो यहाँ पे रेडियस होता है ना, तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा रेडियस जो है, इस रेडियस को बोलेंगे हम बैंड रेडियस। इसको हम डिफाइन करेंगे आर से। यहाँ पे हम देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मेरा अल्फा है, अल्फा जो है ना, ये अल्फा जो है मेरा बैंड एंगल है, कितना डिग्री का एंगल है, कोई 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो, आपको मैं सारा फॉर्मूला वगैरह दूंगा, कुछ भी एंगल हो उसको थ्रू आप निकल सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे देखो अल्फा, मैं आपका अल्फा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रेडियन पे निकालना पड़ेगा इसको, जब आप एंगल में कन्वर्ट करोगे इसके लिए भी आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। उसके बाद बी ए हो गया आपका बैंड अलाउंस, ठीक है। के देखो, के हो गया स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है। के डिपेंड करता है आपकी थिकनेस के ऊपर, आपकी थिकनेस कितना है। अगर आपका थिकनेस ज्यादा होता है ना, मान लो 4 mm होता है, 5 mm होता है, उस केस में आपका जो के होता है, के आपका 0.5 होता है। अगर आपका थिकनेस 3 mm से कम है या
3 mm से कम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है मुझे, जहाँ पे मैं थिकनेस 3 mm से कम होता है तो उस केस में मैं 0.3 ही लेता हूँ। अब 0.3 में कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखो ये होता है ठीक है के इस लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है उसमें क्या होगा 0.3 टी, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टी तो क्या होगा 0.5। अब मान लो यहाँ पे 2 टी की जगह थिकनेस को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 हो गया, तो 6 है। अगर के देखो ये बड़ा है, के मेरा बड़ा होगा ये कम होगा, तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू डाल के आपको पता लग जाएगा ये होता है कि बड़ा है, ठीक है इस हिसाब से आपको के फैक्टर निकालना पड़ेगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जैसे पहला फॉर्मूला है इसको बैंड रेलेवेंस को मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा इन डिग्री में होगा, तो अगर इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना तो यहाँ पे मैं ये डालूंगा पाई बाई 180 डालना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको रेडियन में ही निकालना होता है फॉर्मूला जो है, ठीक है तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो के है ना ये बेसिकली के नहीं होगा, ये आपका रेडियस होंगे, ठीक है ये आपका जो होंगे ये रेडियस होंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ये आपको रेडियस होंगे। अगर मान लो मेरा रेडियस 3 है, ठीक है तो यहाँ पे 2t है, मतलब रेडियस 3 यहाँ पे 3 है, 6 कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया तो ये 0.33 हो जाएगा। अगर मेरा रेडियस बड़ा हो जाता है, अगर यहाँ पे मेरा रेडियस बड़ा हो जाता है 2 × 3 से, तो यहाँ पे 0.5 लेंगे, तो इस हिसाब से आपको इसको आपको निकाल सकते हो, ठीक है हम आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है तो अब देखो यहाँ पे एक मेरा न्यूमेरिकल है उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन निकालूंगा उसको मैं आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, ठीक है तो आपको लास्ट तक देखना है कैसे कर रहा हूँ, इन फ्यूचर आप जेन सॉफ्टवेयर में करते हो तो यही कैलकुलेशन आपको यूज करना होगा, ठीक है तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो मेरा रेडियस जो है ना कितना है 3 mm का है, ठीक है 3 mm का रेडियस है, यहाँ पे अल्फा है मेरा कितना है 90 डिग्री, ठीक है ये देख पा रहे हो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 90 डिग्री। स्ट्रेस फैक्टर के फैक्टर हम डालेंगे कितना डालेंगे यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा थिकनेस क्या है 3 है, ठीक है रेडियस कितना है 3 mm थिकनेस है, रेडियस भी 3 mm है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ देखो यहाँ पे अगर मैं के निकालना है, ठीक है तो मैं कैसे निकालूंगा आपको देखना, ये है 2t, 2 मतलब यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया, इसको आपको r डाल दो आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे, मैं इसको r कर देता हूँ k के जगह, ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको r कर देता हूँ, ठीक है अगर मैं यहाँ पे 0.33 मुझे लेना पड़ेगा, क्यों मेरा थिकनेस कितना है रेडियस कितना है 3 है, तो रेडियस से ये बड़ा है, ठीक है यहाँ पे 3 करूंगा 6 कितना है बड़ा है आर चौथा है, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 0.33, मतलब यहाँ पे रेडियस देखो 3 है और यहाँ पे थिकनेस कितना है 3 है, यहाँ पे 6 बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पहला वाला जो कंडीशन है ना इसको ये जस्टिफाई करेगा, ये वाला पहला वाला कंडीशन यहाँ पे जस्टिफाई करेगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.33 का मैं ले लूंगा, ठीक है इसी हिसाब से यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, मैं जैसे डिग्री में है उसको रेडियन पे लूंगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो क्या होगा 90 × π/180, ठीक है प्लस 3 कितना है आपका ये r है, रेडियस कितना है 3 का रेडियस है, ठीक है 0.33 कहाँ से मिला, ये k का वैल्यू है, k कहाँ से मिला मुझे यहाँ पे k में निकल लिया, ये वाला मेरे को यहाँ से k मिल गया, 3 कहाँ से है 3 थिकनेस, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ये रिजल्ट कैसे मिलेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा हो आपको मैं दिखा देता हूँ 90 × 3.14 में 14 ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे 14 के साथ कुछ और आएंगे बाद में और कुछ डिजिट्स वगैरह है, ठीक है डिवाइडेड बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया क्या है 1.57 है 1.57, ठीक है 0.33 × 3 × 3 + 3 ठीक है × 1.57 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 6.2643, लेकिन यहाँ पे जो पाई के जो वैल्यूज होती है 3.14 के उसके बाद जो कुछ डिजिट होते हैं ना वो हम जो डिजिट्स है ना यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, तो यहाँ पे आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगे ना तो इसको आपको कितना डालना पड़ेगा 6.27 ही डालना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को यहाँ पे हटा दिया है तो हम अप्रोक्सीमेट क्या लेंगे 6.27 लेंगे, जहाँ पे 5 के ऊपर होंगे ना उसको 7 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर तो यहाँ तक आपको मैं समझा दिया हूँ, ठीक है अब देखो अब मुझे ये सही है इसकी जो फ्लैट लेंथ है ना ये लेंथ कितना होगा ये सही है, अब ये मुझे मिल गया, अब जो ये मेरा ये दोनों लाइन है ना ये जो बैंड एक्सटेंड है ना ये वैल्यू होगा क्या 6.27 है, ये जो लाइन का वैल्यू है ना ये होगा 6.27। अब मुझे टोटल फ्लैट लेंथ निकालना है, ठीक है टोटल फ्लैट लेंथ निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है लेकिन मुझे आपको ये जो वैल्यूज है ना उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर में बना के दिखाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ
तो इसको मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले यहां से हटा देता हूँ। हटा देने के बाद ठीक है, यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, शीट मेटल पे आऊंगा मैं। शीट मेटल पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक जो है स्केच लेना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक स्केच लेना है। तो स्केच लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है ठीक है, यहाँ पे एक न्यू लूंगा मैं। न्यू लेने के बाद मैं सबसे पहले किसमें आऊंगा, शीट मेटल पे आऊंगा, ठीक है। आपको भी शीट मेटल आपको यहाँ पे होंगे तो आप शीट मेटल पे आ जाओ, सबसे पहले आपको शीट मेटल पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके यहाँ स्केच लेना है। स्केच लेने के बाद आपको एक सिंपल सा फंदा है, यहाँ पे हम जो है एक क्या लेंगे, एक हम रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जो रेक्टेंगल होंगे इसकी कुछ हम वैल्यूज डालेंगे। यहाँ पे जाके सीधा आपको डायमेंशन जो डालना है, यहाँ पे आपको जो है 50 का डाल देना है और यहाँ पे जो आपको डाल देना है 25 का, ठीक है। तो मेरे को 25x25 का मेरे को डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिट की थिकनेस क्या है, सबसे पहले ये देखो ना, चिट का थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है 3 mm है, ठीक है। बेंड रेडियस कितना है 3 mm है, थिकनेस 3 mm, बेंड रेडियस 3 mm। के फैक्टर कितना है 0.33 है, ठीक है, यहां तक मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे के फैक्टर कितना डालूंगा मैं, 0.33। यहाँ पे रेडी थिकनेस कितना होगा, ये जो थिकनेस है 3 mm का, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको हम सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद मेरा यहाँ पे फ्लैंज आ गया, ये मेरा 25 mm का है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे फ्लैंज लेना है। फ्लैंज लूंगा मैं कहाँ से, नीचे से लूंगा, ठीक है, नीचे से लूंगा, डायरेक्शन ऊपर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लैंज की डिस्टेंस है ये आपको लेना है 25 mm का। अब आपको ये देखना है ये कहाँ से है, टोटल लेंथ पे टेंजेंट बेस है, उसको हम फिर जो है इसको मेजर करके दिखाएंगे। अदालत में आपको मैं ये दिखा दूंगा, जैसे डायग्राम पे जाओगे आपको ये कितना दिखा रहा है, 25 mm है, 25 mm आपको मिल रहा है। सिमिलरली इस साइड से भी आपको कितना मिल रहा है, आप ये देखो यहाँ पे भी आपको कितना मिल रहा है, 28। मतलब यहाँ पे जो आपने फ्लैंज बनाया ना, फ्लैंज को आपको कहाँ से बनाना पड़ेगा, ये जो फ्लैंज लेंथ है ना ये यहाँ से बनाना पड़ेगा आपको। अब आप देखोगे ना, क्योंकि मिस्टेक नहीं होना है, जहाँ से ड्रॉइंग जिस हिसाब से बनाया है, देखो यहाँ पे ये कितना है, ब्लू वाला आपका काम है ओरिजिनल 25 mm है। तो अगर आप ड्रॉइंग पे देखते हो, यहाँ पे ड्रॉइंग पे देखते हो कितना है, L कितना है 25 है और L2 कितना है 25 है। देखो यहाँ पे जो आपका सेटबैक वैल्यू है वो नहीं दे रखा, यहाँ पे सेटबैक वैल्यू में नहीं दे रखा हूँ, यहाँ पे मैं ओवरऑल लेन ले रखा हूँ। आपको अगर सेटबैक वैल्यू डालना है उस हिसाब से या सॉफ्टवेयर में भी डाल सकते हो, वो भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर में भी है, लेकिन यहाँ पे हम टोटल ले रखा है, L1 टोटल ले रखा हो, L2 टोटल ले रखा हो। तो L1 और L2 का टोटल मैं यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, 25 25। लेकिन यहाँ पे मैंने रेडियस अभी तक नहीं डाला है, अभी तक मैंने यहाँ पे रेडियस नहीं डाला है। तो यहाँ पे जो ये रेडियस होगा ना, ये जो रेडियस होगा डिफॉल्ट रेडियस, इसको हम डालेंगे 3 degree का, ठीक है, 3 degree का हम यहाँ पे डिफॉल्ट रेडियस डालेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो रेडियस डालोगे तो ये लेंथ चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज नहीं है, लेंथ 25 ही है, ये लाइन 25 है आपका जो है, और यहाँ पे भी ये भी लाइन आपका 25 है। प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है सीधा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप भी 25 है। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकली चीजें सिखाते रहता हूँ। अब देखो ये आपका बन गया, ठीक है, आपका ये जो है इसकी जो बीच में से ये जो सेंटर में से जो लाइन जा रहा है वो आपका बैंड अलाउंस है, ठीक है, ये आपका बैंड अलाउंस है। अब इसको अगर मैं खोल के दिखाता हूँ, इसको अगर मैं फ्लैट पैटर्न करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ में देखो फ्लैट पैटर्न कर देता हूँ, ठीक है, इस सेंटर से ये कितने का बन के आ रहा है, 6.27 हम मान लेते हैं, 6.27 जो है ये बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों बन के आएगा, 3.14 के बाद भी कुछ डिजिट है, ठीक है, इसके बाद भी कुछ डिजिट है, तो इसको भी आपको वो डिजिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ की, तो यहाँ पे आप देखोगे कितना बन के आता है, देखो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कितना बन के आ रहा है 44.27, ठीक है, 44.27। तो यहाँ पे आपके देखोगे कितना है 27, जो लास्ट में देख पा रहे हो ना 26 है, 0.27 है, तो ये जो है आपका एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से जो आपको अगर आप बोलोगे इसको अगर यहाँ से माइनस कर दोगे ना, यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपको सेटबैक वैल्यू भी मिल जाएगा। जैसे आपका 44.27 से अगर इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, ये अगर माइनस कर दोगे यहाँ पे आपको सेटबैक वैल्यू भी मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल एल दे रखा है, यहाँ पे आप बैंड अलाउंस कितना मिल गया ये होगा, ये सेंटर जो लाइन है, ये सेंटर जो लाइन आप देख पाओगे, इस सेंटर लाइन आपका ये वाला लाइन है, ठीक है, इससे आपको जो एक्सटेंड बैंड है ये कितना हो जाएगा, इसको आप जो है 2 से डिवाइड करके ऑफसेट कर सकते हो। टोटल लेंथ जो है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसमें और एक बात समझना है, जैसे आपका यहाँ पे 6.27 क्या आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिजिट लेते हैं 2, 6 के जगह हम 5 को हम
एक कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम 6.27 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6.27 लेके आ रहा है, तो आपको एक चीज और समझना है यहाँ पे। जैसे मैं, आप देख पाओगे यहाँ पे 25 है और जो रेडियस है यहाँ पे 3 का रेडियस है और थिकनेस जो है आपका 3 है। तो अगर यहाँ पे जैसे मेरा 25 है, 25 में मैं अगर रेडियस 3 माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, 22। तो 22 मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्योंकि थिकनेस भी 3 mm है। तो 3 mm मुझे थिकनेस जो है और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 करता हूँ तो मेरा जो है L1 है, जो मेरा सेटबैक वैल्यू है, अगर मैं सेटबैक को माइनस कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पर जहाँ पे ये आर्क खत्म होता है ना, जहाँ पे ये आर्क खत्म होता है, ये 19 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना होना चाहिए, 19 mm होना चाहिए। अगर मैं उसी चीज को अगर मैं सॉफ्टवेयर में देखता हूँ, अगर मैं उसी चीज को सॉफ्टवेयर में देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्लैट पैटर्न कराया है, तो यहाँ पे एक बार आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैट पैटर्न कराया है, फ्लैट पैटर्न करने में मेरा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, राइट, ठीक है, 44.27 आ रहा है, 44.27 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पे जो वैल्यूज है मैंने आपको समझा दिया है, जो सेंटर से है इसको आप अगर 6.27 को 2 से डिवाइड करके अगर आप ऑफसेट भी कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, बैंड 11 मिल जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लेंथ चाहिए, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये जो लेंथ बन के आ रहा है ना, ये जो लेंथ है इस लाइन से इस लाइन तक डिस्टेंस 19 mm आना चाहिए, 19 mm आना चाहिए। इसको भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा इस पॉइंट से पॉइंट, ये देख पा रहा हूँ कितना mm आ रहा है, 19 mm आ रहा है। जो मेरा कैलकुलेशन से जो चीजें से मैं बना रहा हूँ ये परफेक्ट है, तो कहीं पे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको भी जो है उस चीजें थियोरिटिकली बनाना होगा, उसको फिर सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जो भी थ्योरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ एग्जैक्ट सही है, आप इस तरीके से बनाओगे, इन फ्यूचर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि सारा चीजें मैं आपको सारा चीजें समझा रहा हूँ एक तरीके से। आपको किसी को भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस शीट मेटल की टूल डिजाइन सीखना है या शीट मेटल डाई डिजाइनिंग वगैरह सीखना है, तो नंबर मेंशन है वहाँ पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देता रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो में मैंने कोशिश करा कि बहुत कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है टेक्निकली समझना पड़ता है और कुछ चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में बना के भी दिखाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बना के दिखा दिया है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें करना फ्लैट लेंथ निकाल सकते हो, सारा पैरामीटर से निकालना होता है आपको। मैंने ये दिखाने का ये है क्योंकि देखो यहाँ पे 6.27 जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा, फ्लैट पैटर्न की लेंथ होगी। और फ्लैट पैटर्न में लेंथ के अगर आपको बोलेंगे कि ये माइनस कर दो, जो आपका ये वैल्यूज आ रहा है ना बन के, जैसे आपका ये जो वैल्यूज बन के आ रहा है, इसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका जो है कितना लग जाएगा, सेटबैक वैल्यू जो है यहाँ से जो आपका ये एल है यहाँ पे सेटबैक जो है उसको भी माइनस करके आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो फ्लैंज की। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को भी कुछ चीजें पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने कोशिश किया कि सारा चीजें मैंने आपको समझा पाओ, ठीक है। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह भी देते रहते हो, जिसको भी इंटरेस्टेड है नंबर मेंशन दे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर वीकेंडली मेरे क्लासेस वगैरह चलते रहते हैं, डेज बाय डेज चलते भी रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।